हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत, स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो चैप्टर है आपका लंदन, उसका दूसरा स्टेंजा। पिछला स्टेंजा, जो पहला वाला स्टेंजा था, वो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में करवा दिया था, ठीक है? आशा करता हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं दूसरा स्टेंजा पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ। इस स्टेंजा में, इस स्टेंजा में, या ये पूरी पोएट्री कह लो, इसमें क्या है कि जो पोएट है वो गली गली घूम रहा है, लंदन की सारी गलियां, गलियों का जो है वो भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। और वो गलियों से निकलते निकलते इस स्टेंजा में नदी तक पहुंच जाता है, जिस नदी का नाम है आपका थेम्स, ठीक है? तो वहां पर वो देखता है कि नदियों में किस तरह से गंदगी है और कैसे लोग उस नदी को जो है वो अपनी, जो बड़े लोग हैं वो उस नदी को अपनी जागीर, अपनी प्राइवेट जो है वो जगह मानते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है? तो इस स्टैंडा में हम अभी पढ़ेंगे ये वाला, तो चलिए पढ़ना पहले शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है? फिर उसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आई वेंडर थ्रू ईच चार्टेड स्ट्रीट, ठीक है? इसमें पोएट कह रहा है कि मैं पोएट जो है वो लंदन की हर गली, प्रत्येक गली से गुजरा, जो कैसी थी, चार्टर्ड थी। चार्टर्ड मींस डेजिग्नेटेड, यानी कि इसका मतलब होता है नामित। जो लंदन की जितनी भी नामित गलियां हैं, पोएट जो है उन गलियों से गुजरा। नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डस फ्लो, और यहीं कहीं घूमते घूमते, वहीं कहीं आसपास में घूमते घूमते जो है वो पोएट जो है वो कहाँ आ गया, थेम्स नदी के पास आ गया जो बह रही है। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, और मैं जिस किसी व्यक्ति से भी मिला उसके चेहरे पर एक ही प्रकार का कैसा था, मार्क था। मार्क कहते थे मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो कमजोरी के और दर्द के मार्क्स दिखाई दे रहे थे उसके चेहरे पर, ठीक है? रेफरेंस पढ़ते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम ब्लेक्स फेमस पोयम। ये जो लाइनें हैं वो ली गई हैं विलियम ब्लेक की फेमस पोयम, जिसका नाम है लंदन। इट इज सैटिरिक पोयम इन विच द पोएट पासिस। ये जो है वो कैसी पोयम है, सैटिरिक मीन्स व्यंग्यात्मक। ये पोयम जो है व्यंग्यात्मक पोयम है, इन विच, जिसमें द पोएट पासिस सैटिर, सटायर ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, जिसमें पोएट बताता है, व्यंग करता है, क्या करता है, व्यंग करता है, व्यंग जताता है ऑन द मिजरेबल कंडीशन, जो दुखी दयनीय स्थिति है ऑफ द सिटी, शहर की, ऑफ लंदन, ठीक? एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द पोएट वेंडर्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन डाउन टू द थेम्स। पोएट जो है वो वेंडर्स भ्रमण करता है, वॉक करता है इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, लंदन की गलियों में, डाउन टू द थेम्स, जो खत्म होती हैं जाकर कहां पर, निकलती हैं जाकर कहां पर, थेम्स नदी के पास। ही फील्स एज, उसे ऐसा महसूस होता है कि ऑल, इफ ऑल इज हायर्ड बाय समवन,
फॉर हिज टेम्पररी यूज, उसे ऐसा लगता है कि इफ ऑल इज हायर्ड बाय समवन, अगर कोई किसी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है या कोई किसी के द्वारा कोई कार्य करा रहा है फॉर हिज टेम्पररी यूज, वह उसका केवल टेम्पररी यूज है, उससे केवल वो क्या करवा रहा है, एक छोटा सा एक टेम्पररी मतलब के लिए काम करवा रहा है। माने कोई भी व्यक्ति अगर किसी से कुछ बात कर रहा है या कोई भी मशवरा कर रहा है तो उसमें उसका क्या मतलब छुपा हुआ है, उसका टेम्पररी यूज है। स्ट्रीट्स रिवर हैव बिकम प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो स्ट्रीट है गलियां हैं एंड द रिवर और जो नदी है बिकम प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति बन चुकी है। द होल सिटी इज, पूरा शहर जो है सफरिंग गुजर रहा है अंडर टायरनी, टायरनी का मीन होता है अत्याचार के अंदर अंतर्गत उससे गुजर रहा है ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मीन्स पूंजीवाद, यानी कि पूंजीवाद के अत्याचार के अंतर्गत जो है वो गुजर रहा है कौन, द होल सिटी पूरा शहर। देयर इज वॉन्ट ऑफ फ्रीडम इन द सिटी, जरूरत है, देयर इज वॉन्ट यानी कि सभी को जरूरत है ऑफ फ्रीडम, आजादी की, इन दिस सिटी इस शहर में। ऑल पीपल आर सफरिंग, सभी लोग जो गुजर रहे हैं एंड देयर फेसेस शो, और उनका जो चेहरा है वो दिखाता है द मार्क्स ऑफ वीकनेस, कमजोरी के मार्क्स, कमजोरी के चिन्ह दिखाता है, उनका चेहरा जो है वो कमजोरी के मार्क्स चिन्ह दिखाता है एंड सॉरो और दुख दिखाता है, क्या दिखाता है, दुख दिखाता है। ठीक है, तो ये इतना ही था, दूसरा स्टेंजा हमने कंप्लीट कर लिया है, ये छोटा सा स्टेंजा ही था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको अपने साथियों तक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप हमारा अपडेट पाते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।